Hi everyone, I'm Dr. Deepthi Shukla. I'm a dermatologist and trichologist, and welcome to our new video for NeuRoots, the Skin, Laser and Hair Transplantation Center. So today we have with us a very, very happy patient. And hello, sir. Yes, ma'am. So Sanka, he's Mr. Parshuram. Yes. And inka hair transplantation humne 6 months pehle kiya tha, 6 months pehle. जब सर हमारे पास आए थे पहले तब उनको ग्रेड 6 वॉज गोइंग टू ग्रेड 7 बॉल्डनेस ऑलरेडी थी एंड ही इज़ करेंटली 27 ईयर्स ओल्ड. उनके अभी 27 एज है एंड उनको 3-4 साल से बॉल्डनिंग शुरू हो चुकी थी, मतलब काफ़ी अर्ली एज में शुरू हो चुकी थी. और जब वो हमारे पास आए थे 6 महीने पहले 8 महीने पहले कंसल्टेशन के लिए, तब उनको ऑलरेडी ग्रेड 6 बॉल्डनेस प्रेजेंट थी. तो उनका पूरा यहाँ से आज तक पूरा बॉल्डनेस हो चुकी थी. तो आप जानते हैं सर से उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे उन्होंने हमें क्लिनिक के बारे में पता चला, आइए सर से ही जानते हैं. हेलो सर, तो आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया. बढ़िया, तो बताइए कैसे आपको हमारी क्लिनिक के बारे में पता चला? मेरे एक फ्रेंड है महेश कामरे नाम का. हाँ. तो उनका मैंने पूछा, तो उन्होंने 2018 में किए थे उन्होंने. अच्छा. तो उनका मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट के बाद ना बोल दिया अच्छा लगा. मैं ऑलरेडी है ना 2-3 क्लिनिक में जाकर देखा. अच्छा. तो वहाँ पे रेट का इशू हो रहा था और यहाँ पे आने के बाद है ना महेश जी ने मतलब कम से कम में करवाए. हाँ जी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया. हाँ. और उन्होंने ही मेरे को एक क्लिनिक का एड्रेस दिया. अच्छा, ठीक है. फिर जब आप जब आपकी उम्र उस समय कितनी रही होगी जब आपकी बॉल्डनेस चालू हुई थी? 25 के आसपास. तो फिर आपको कितना पूरा यहाँ से यहाँ तक खाली हो चुका था ना? चल गया था, पूरा चला गया है. बचा बचा था अमृत सूर्य के बाद. तो उस समय आपको लगता होगा कि बहुत जल्दी 25 साल तो बहुत छोटी उम्र होती है. भी नहीं, भी नहीं. हाँ. फिर आपने यहाँ आए, जब आपने कंसल्टेशन वगैरह किया तो आपको फिर कैसा लगा? फिर उसके बाद अभी 6 महीने के बाद आप खुद ही देख रहे हो मैं. अच्छा लग रहा है. तो आप जब ट्रांसप्लांट के बारे में आपने सोचा कि अब करा लेना चाहिए, तब आप नर्वस थे, डर लग रहा था? डर लगा था. उसके हाँ. बाद फिर जैसे अंदर गया कुछ भी नहीं, नॉर्मल से नॉर्मल सर्जरी होती है और कुछ भी नहीं होता. आपको कुछ पेन वगैरह हुआ सर्जरी में? कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि मैं परेशान हो गया हूँ? नहीं, ऐसा वो सिर्फ लेटे वक्त लगता है थोड़ा, कि लेटे लेटे थक जाते हैं. हाँ, पर उसके बाद हमारी क्लिनिक की तरफ से आपको फॉलोअप वगैरह सब अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला. और अब आप अपने रिजल्ट से कितने खुश है? मैडम तो आउट ऑफ बोले तो उसके ऊपर गए, अंडर आउट ऑफ भी बोले तो उसके ऊपर. मतलब काफी मतलब है ना चेंजेस हुए मेरे बाल आने के बाद. हर जगह पे जाना मेरे को मन नहीं होता था कहीं पे भी आना जाना. यस, अभी कॉन्फिडेंस आ गया. बढ़िया. और अब फोटोज खिंचाने का भी मन करता होगा सारी चीजों में. हाँ, ये बात तो सही है. अब आपके दोस्त वगैरह देखते हैं आप? आना चाहते हैं मैडम. हाँ. लोग ना कुछ है ना गाँव में रहते. हाँ. बाहर रहते दो लोग बोल रहे कि ना मेरे को करना है वहीं पे करना है. अच्छा. 2-3 जगह पे किए उन लोगों ने. हाँ. एक दो फ्रेंड उन लोगों का रिजल्ट था काफी अच्छा. नहीं यार, तो आपका रिजल्ट देख के उनको लगना होगा कि को लग रहा है कि गंजापन बढ़ गया बहुत ऊपर है. अभी तो फिलहाल आपको देख के ऐसा लगता भी नहीं कि ट्रांसप्लांट किया है, बहुत नेचुरल लग रहा है ये बहुत. तो आप खुश हैं? बिल्कुल एकदम. चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने हम पे ट्रस्ट किया हमारे क्लिनिक पे और हमें मौका दिया आपकी सर्विस देने के लिए. आई होप अभी तो 6 महीने हुए, पूरे 1 ईयर लगता है 100% रिजल्ट आने में. अभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, डोंट वरी. ठीक है, थैंक यू सो मच.